हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा स्पेशन पिटारा। और आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा बिल्कुल मेरे स्टाइल में, जो कि खाने में होता है बहुत ही लाजवाब। और राजमा के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं बहुत सारे, तो इसे ज़रूर से बनाइएगा और मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको कैसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजमा बनाना। तो सबसे पहले पूरी रात मैंने राजमा को पानी में सोख करके रखा था, उस पानी को मैंने फेंक दिया है, इसलिए कि उसमें कलर लाने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल तो यूज़ किया ही जाता है, तो मैं उस पानी को ज़्यादा करके यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए इसे अभी मैं कुकर में डाल देती हूँ। तो राजमा कुकर में डालने के बाद मैं इसमें पानी को ऐड कर दूँगी। अब इसमें अंदाज से हमें नमक डालना है। यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने चाय पत्ती ली है, जो कि इसकी एक पोटली बना के जस्ट मैं कुकर के अंदर डाल दूँगी। इससे राजमा का कलर बहुत ही अच्छा है। तो अब ऐसे पोटली मैंने बना दी है चाय पत्ती की और इसे कुकर में डाल दूँगी। तो बस कुकर अभी मैंने इंडक्शन के ऊपर रख दिया है और इसे 3 से 4 सीटी आने दूँगी अच्छे से। तो राजमा का कुकर रखने के बाद मैंने उसकी तैयारी कर ली थी राजमा बनाने के लिए। मैंने यहाँ से 4-5 प्याज अच्छे से बारीक काट लिया है और टमाटर भी चॉप कर लिया है। यहाँ पे तेज़पत्ता है 2-3 और एक सूखा लाल मिर्च है, और ये इसे गरम मसाला में फूल चक्री बोलते हैं। और एक बड़ी इलायची है, 4 से 5 यहाँ पे लौंग मैंने लिया है, 4 लौंग है, और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा है, और ये रफली अदरक और लहसुन मैंने कूट लिए हैं। यहाँ पे जो हमारे किचन में नॉर्मल मसाले यूज़ होते हैं वही है। तो अब कढ़ाई के अंदर तेल को डाल देना है। 200 ग्राम के लगभग राजमा है, तो मैंने कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच के लगभग ऑयल डाल दिया है, और ऑयल वही यूज़ करना है जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हो। तो अब तेल के गर्म होते ही है हमें डाल देना है जीरा। डाल दूंगी प्याज जो मैंने पहले से काट के रखे हुए हैं। तो ऑयल के अंदर प्याज डालने के बाद अब मैं इसमें इस टाइम पे डाल दूँगी तेज़पत्ता और ये बड़ी इलायची और ये दालचीनी का टुकड़ा और ये हाफ चक्र फूल, 4 लौंग, और अब इसे अच्छे से हमें प्याज हल्का सा सॉफ्ट ही करना है, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ऑयल में बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए प्याज। तो ये देखिए प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, और अब मैं इसमें ये रफ किया हुआ, जस्ट इसको मैंने ओखली में कूट दिया था, अदरक और लहसुन है, इसे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। थोड़ी देर इसे ऐसे ही ऑयल में पकने देना है। इस टाइम पर आप गैस की फ्लेम को मीडियम रख सकते हो। तो प्याज यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, और इसी टाइम पर मैं टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी, और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है और लगभग 30 से 40 मिनट तक पका लेना है टमाटर को। मेरे प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, अब मैं इनको मिक्सर जार में डाल के इनका पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मसालों में से जो भी गरम मसाला था उसे निकाल लेना है, जैसे कि तेज़पत्ता था, चक्रफूल था, उसे हमें निकाल लेना है। अगर दालचीनी आपको रहने देना है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बड़ी इलायची थी उसे तो बिल्कुल भी निकाल देना है। मिक्सर जार में ग्रेवी तैयार करने के लिए सबको डाल दिया है मसालों को, और उनमें से गर्म मसाला मैंने बाहर निकाल दिया है। और अगर आप लौंग को भी रहने देना चाहते हो, जैसे मैंने रहने दिया है लौंग को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है राजमा में। तो इसी कढ़ाई के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल मैंने डाला है, और उसके अंदर ये लाल मिर्च, और अब यहाँ पे आने वाला है एक ट्विस्ट। तो जो गरम मसाला हमने निकाला था उन मसालों को फ्राई करने के टाइम पे, उनको मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी वापस। और अब डालना है ये जो ग्रेवी मैंने तैयार कर ली थी पीस के, तो इस ग्रेवी को भी डाल देना है कढ़ाई के अंदर ऑयल में। बॉईल करने के टाइम राजमा में मैंने एक डाली थी पोटली चाय पत्ती की, उसे मैं अभी इस टाइम पे निकाल दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हमारे मसाले अभी एकदम पक रहे हैं। अब इसमें डाल देते हैं मसाले।
तो ये मेरी कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर गई 1.5 चम्मच, क्योंकि ये तीखी कम होती है और इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आपकी लाल मिर्च कितनी तीखी है उस हिसाब से ही आप राजमा में डालो। मसाले हमेशा अपने अंदाज से डालने चाहिए, क्योंकि हर जगह का मसाला जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई मिर्च तीखी होती है, कोई हल्दी ज़्यादा पीली होती है। नमक भी हमेशा अपने स्वाद के अनुसार ही, हमें टेस्ट कैसा नमक का चाहिए उस हिसाब से ऐड करना चाहिए। थोड़ा सा नमक मैंने बॉईल करने के टाइम राजमा में डाला था, तो इस टाइम पे बहुत थोड़ा सा नमक, छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ। आप किनारों पे जो मसाले के किनारे, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे ऑयल छूट रहा है। बस अभी मसाला एकदम से रेडी हो गया है और अब राजमा हमें इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए एकदम बढ़िया से तेल मसाला छोड़ चुका है। बस अब मैं इसमें राजमा डाल दूंगी। आप देखो कितनी बढ़िया ग्रेवी तैयार हुई है राजमा की। अगर आपको एकदम रेस्टोरेंट होटल वाला राजमा चाहिए, तो इसमें आप बिल्कुल छोटी चम्मच से 1/2 टीस्पून चीनी को ऐड कर सकते हो। उसमें राजमा बहुत अच्छा, उसका जो बाहर वाला टेस्ट आता है रेस्टोरेंट और होटल वाला। तो इसमें मैं अभी 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी और इसे लिड लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। और ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार हो गई है, तो बस इसे 5 मिनट तक मैंने ढक के रखा था बिल्कुल बिल्कुल स्लो करके फ्लेम को, और अब मैं इसे 2 से 3 मिनट और पकने दूंगी। अभी मैंने फ्लेम को रखा है मीडियम पे। इसमें डालूंगी सिर्फ 1/2 टीस्पून गरम मसाला, क्योंकि थोड़ा सा गरम मसाला मैंने पहले से डाला। अगर आप चाहो तो राजमा मसाला का यूज़ कर सकते हो, बट मैं राजमा मसाला यूज़ नहीं करती। अगर आप इसी टाइप से, मेरे स्टाइल से राजमा को बनाते हो, तो ये काफ़ी अच्छा बनेगा, बहुत मज़ा आ जाएगा खाने में। तो राजमा बन के रेडी है, फ्लेम को करते हैं बंद और इसे ले लेते हैं सर्विंग बाउल में। तेजपत्ता मैंने निकाल लिया है राजमा में से, और ये देखिए कितना बढ़िया राजमा बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये राजमा बनाने का रेसिपी और स्टाइल आपको अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ 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 इसे एक लाइक ज़रूर से दीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे। आपके लाइक को देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। और इस राजमा को अब आप सिंपल राइस के साथ या फिर जीरा राइस के साथ एकदम आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो मेरी डॉटर का है ये बिल्कुल फेवरेट, और आज है उसका हॉलीडे, तो हम चलते हैं करने एंजॉय राजमा राइस। ओके, बाय बाय बाय।